बहुत ही आदर और सम्माननीय और इस इलाके के रहमुना रहे और आगे भी रहनुमाई करेंगे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, और आपने आपके इस इलाके के बेटे चौधरी उदयभान जी, बहुत ही संघर्षशील, बेदाग और बेबाक इस इलाके के व्यक्तित्व के धनी चौधरी करण सिंह दलाल जी, मंच पर बैठे हुए इसराइल जी, बंधु जी, महिपाल बंधु जी, डागर साहब, और मंच पर बैठे हुए मेरे सभी वरिष्ठ साथी गण, सामने बैठे हुए कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी और इस इलाके के सभी बुजुर्ग नौजवान साथी और कांग्रेस कार्यकर्ता साथीगण, नौजवान भाई, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, कहने के लिए तो दलाल साहब ने सारी बात कह दी और पहले मेरे साथियों ने सारी बात कह दी। दो बात है भाई सरदारों, बहुत से लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, जेजेपी छोड़ के, लोक दल छोड़ के, कांग्रेस में मंच पर मैं भी उनमें से ही हूं। हम सब कभी कांग्रेसी थे, बीच में कारण थे, कोई बात थी, छोड़ के चले गए, फिर आ गए। अगर जन्म जात कांग्रेसी आज हरियाणा में अगर कोई है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, जिनकी तीन पीढ़ियां कांग्रेस में रही हैं। बाकी तो हम भाई अलग अलग प्लेटफार्म से, कभी काई गाड़ी में चढ़ गए, कभी किसी गाड़ी में चढ़ गए, कभी फिर जौन सी मिल गई वहां में चढ़ गए। दूसरी बात, अभी दलाल साहब ने एक बात कही, देखो इसमें तो कोई दो राय नहीं, उस समय हम जवान थे, जो नए नाटे होते हैं, अब तो भाई नारे चौहान साहब बैलों का तो काम ही नहीं रहा, जो नया नाटा होता था वह तो रथ में जोटे हैं, और जो बीच को से बर्द होए करे वह हल में पेले, और जो पुराने बैल होए करे उन्हें गाड़ी में जोड़े कि भाई गाड़िया पार कर जाएंगे, उलारन नहीं देंगे। तो जब हम नए हैं, जब हम दोनों ने मिलकर चौधरी बंसीलाल की सरकार ला दी भाई, जहां इस इलाके में कोई बात नहीं थी और पूरी जीटी रोड पार उतार दी, अब उस समय में और अब में समय तो देखो 30 साल का फर्क है। अब भी इसमें कोई दो राय नहीं, चौधरी बंसीलाल जी के बाद अगर कोई काम करने वाला मुख्यमंत्री हरियाणा में आया है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इन्होंने जनता के भी काम किए और अपने वर्करों के भी काम किए, मैं खुद उनमें से हूं, वर्करों के भी काम किए, और इन्होंने मान सम्मान भी हर व्यक्ति का किया, और इन्होंने मुख्यमंत्री का पद इस तरह से सुशोभित किया कि कभी झूठे आश्वासन नहीं दिए, कभी किसी से कोई बैर खुंस नहीं निकाला। कारण कुछ भी है, इन्होंने मुझे भी खूब प्यार दिया, मुझे इन्होंने टिकट भी दी और मेरे व्यक्तिगत काम भी किए, लेकिन उस समय कारण भी हमारी रिश्तेदारी का ही मसला था, हम अलग अलग हो गए और आज हम एक हैं, और इस एकता से हम हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बना के दम लेंगे, बीच में हम कहीं सस्ताएंगे भी नहीं। और मेरा हुड्डा साहब से भी निवेदन है कि जब हम दोनों अलग थे, जब हमारे एक एक हाथ था, आज हम दोनों एक हैं,
हमारे चार हाथन चारों हाथन ने कहीं बेल देना, जहां पे कमजोरी लगे वहां से हम आपको आगे निकाल कर लाएंगे, ये भी हमारा दोनों का वादा है। उदय भान जी बैठे हैं आज, इन्होंने मुझे दोनों भाभी मुख्य हुद्दा साहब ने, उदय भान जी ने पटका पहनाया, तो हिसाब लगा लो भाई, मैं तो कांग्रेस में तो इस पार्लियामेंट के इलेक्शन में ही आ गया, और जब मैंने बिना पटका पहने के जितना काम किया, इस पटका पहनने के बाद तो मैं चार गुना जान लगा दूंगा। ये चाहे बैसलात है, चाहे जटियात है, चाहे मेवात है, चाहे हमारे पलवल का शहर है, होडल का शहर है, हतीन शहर है, चाहे हमारे व्यापारी भाई हैं, चाहे हमारा ब्राह्मण समाज है, ब्राह्मण देवता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं भाई। देखो भाषण वाषण तो हम पे ऐसे आवे देनो, लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर करूंगा, ये जो इलेक्शन गया है अभी पार्लियामेंट का, इसमें जिस तरह से धन का और बल का प्रयोग हुआ है, उसने हमारे इलाके को थोड़ा बहुत जलील भी किया है, हमारे इलाके पे थोड़ा सा कलंक लगा है कि भाई हमारे यहाँ के पंचायत मेंबर, सरपंच, एक सरपंच, पिछले सरपंच, ब्लॉक सरपंच मेंबर, जिला परिषद के, इनका बढ़िया आचरण नहीं रहा। उनसे भी मेरा अनुरोध है कि आप लोगों को पूरे 8 साल फांसी दी है भारतीय जनता पार्टी ने, 8 साल, 5 साल पहले निकल गए और 2 साल ये निकल गए, 2-3 साल, 2 साल इलेक्शन ही नहीं हुए। जब इलेक्शन नहीं हुए, जब कर्मचारी और अधिकारियों ने इस हरियाणा को इस तरह से लूटा है कि जो पुराने रास्ते, पुरानी चौपाल, पुराने जो काम थे, उनको नया 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 दिखा दिखा करके आप लोगों का धन बुरी तरह से लूटा है। आज भी अगर देखते हैं तो हमने इतना विकास इस गांव में कर दिया, इतना विकास इस गांव में पैसे दे दिए, और जब वहां जाते हैं मौके पे, तो उस काम के पैसे 2 साल पहले निकल गए और आज तक वो काम पूरा नहीं हुआ। ये पैसा आपका है, किसी दूसरे का नहीं है, इसलिए इस खाएगी से बचने के लिए, करप्शन से बचने के लिए, गरीब को न्याय दिलवाने के लिए, और जात पात और धर्म का नफरत को मिटाने के लिए आज हमारे पास ही एक ही रास्ता है, कांग्रेस पार्टी और भूपेंद्र सुभूतेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाना। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा चारा है नहीं। मैं ज्यादा ना कहते हुए दोबारा से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं, और दलाल साहब यहाँ हैं और चौधरी साहब बैठे हैं सामने, बड़े भाई इनके रूपचंद जी दलाल, हालांकि रिश्तेदारी तगासी भी ना टूटे, यारी टूट जाए पहाड़ सी और रिश्तेदारी ना टूटे तगासी, हम दोनों को इशारों इशारों में तो हमारी लड़ाई हो गई, और आंख ही आंखों में हमारा भैया प्यार हो गो, आपसे ईश्वर से और आपसे हमारी यही दुआ है कि हमारा प्यार भी इसी तरह बना रहे, हमारी रिश्तेदारी भी इसी तरह बनी रहे, और हम दोनों मिलकर हुड्डा साहब की सेवा भी इसी तरह करते रहे। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम सर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।